नमस्कार सभी को जय शंकर। देवगदे महादेव, त्रिशूलधारी डमरूधारी जटाधारी सर्वधारी नीलका नागेश्वर महाकाल शंभु हर हर महादेव। आप दर्शन करें भगवान महादेव के, आप सभी के आराध्य शिव के। आज होली के पवित्र त्यौहार पर जम्मू कश्मीर पूरे भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस समय हम उत्तर काशी में स्थित भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें परमंडल शिव नगरी में। इस समय आप देखेंगे होली के पर्व पर हजारों लाखों के हिसाब से जनता भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और रंग गुलाल अर्पण करने के लिए इस समय पहुंची हुई है। तो भगवान भोलेनाथ होली के इस पवित्र त्यौहार पर सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप देखेंगे भक्तों की भीड़ किस तरीके से जल अभिषेक करने के लिए इस समय पहुंची हुई है और ये सुंदर दृश्य आपको मैं जेके चैनल के माध्यम से परमंडल शिवनगरी से दिखा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छाएं पूर्ण करे होली के इस पवित्र त्योहार पर। इस समय हम परमंडल शिव नगरी में हैं और भगवान भोलेनाथ आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करे। आप देखेंगे बारी बारी कर इस समय जल अभिषेक इस समय किया जा रहा है और इस समय हम परमंडल शिव नगरी में हैं। जो भी सच्चे मन भाव से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए परमंडल शिव नगरी में आते हैं, भगवान भोलेनाथ हमेशा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वीडियो को शेयर करें और जम्मू कश्मीर की जनता पे भगवान भोलेनाथ होली के इस पवित्र त्यौहार पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा आप वीडियो को शेयर करें। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, भारत का इतिहास ये गवाह है कि होली का पवित्र त्यौहार किस तरीके से हर धर्म के कम्युनिटी के लोग जो है मनाते हैं। और आज होली के इस पवित्र त्यौहार पर परिवार के साथ भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए भारत के अलग अलग स्टेटों से लोग परमंडल शिवनगरी उत्तर काशी में स्थित छोटा काशी परमंडल शिवनगरी में पहुंचते हैं। और आप दर्शन करें और वीडियो को शेयर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छाएं पूर्ण करें होली के इस पवित्र त्यौहार पर। शिव भगत शिव भक्तनिया सच्चे मन भाव से वही इस और माथा टेके जो मन में पाप लेकर कभी अंदर ना जाए, ना तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी ना तो आपका हर एक इच्छा पूरा होगा। मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति हृदय में सच्चे मन भाव से जब अब अभिषेक करने के लिए जाते हैं, किसी पवित्र स्थानों में जाते हैं, तभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है जब आपका दिल साफ होता है। तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में जब भी आप आए तो हमेशा मन आपका साफ होना चाहिए, नहीं तो तीर्थ और भगवान भोलेनाथ में जल अर्पण करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सबको देखते हैं। इच्छाएं उनके ही पूर्ण होती है अंदर जाने से, जिनका मन साफ होता है और हृदय से भगवान भोलेनाथ शिव के भगत होते हैं जो भगवान भोलेनाथ में अपनी आस्था रखते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय कहें और होली के इस पवित्र त्यौहार पर भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, किसी की इच्छा ना बाकी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल। जय शंकर।